चलिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मोड का थियोरिटिकल बैकग्राउंड पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हम मोड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, उस पर काम करते हैं। तो काम ये है कि ऑब्टेनिंग वैल्यू ऑफ मोड, ये मेरा टास्क है, जिसको आप बोल सकते हो कि कैलकुलेशन प्रोसीजर, ठीक है। लेकिन मैं वर्ड पर्पसफुली कैलकुलेशन यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मोड की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास देखा जाए तो बेसिकली दो ट्रिक है। दो ट्रिक से मैं काम कर सकता हूं। एक तो मैं कैलकुलेशन करके मोड निकालूंगा, मतलब ऑब्टेनिंग मोड बाय कैलकुलेशन और ऑब्टेनिंग मोड बाय ग्राफ। तो मोड निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कुछ कैलकुलेशन प्रोसीजर एडॉप्ट करूंगा और मोड निकालूंगा, या तो फिर मैं ग्राफ से मोड निकालूंगा। अच्छा, ग्राफ से जब मैं मोड निकालूंगा तो मेरे पास उसका जो टूल है वो उसका नाम है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम से मैं मोड निकाल पाऊंगा, और उसमें कैसे काम करते हैं वो अभी नहीं देखेंगे, अभी हम कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो कैलकुलेशन में का पैटर्न हम यूज कर रहे हैं मोड निकालने के लिए, तो भी हमारे पास दो सिचुएशन आ जाती है। या तो हम मोड की वैल्यू बाय डेफिनेशन निकालेंगे, या तो बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे। कब एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें चार अलग अलग ऑप्शंस है। ये चार सिचुएशन में एम्पिरिकल फॉर्मूला का, या तो फिर डेफिनेशन का यूज करेंगे। कौन सी चार सिचुएशन है? तो एक तो है कि डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीमोडल हो, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में टाई हो, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे। या तो फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एट एक्सट्रीम मिलती है आपको, मतलब सेंटर के बजाय एक्सट्रीम पोजीशन पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, तो भी एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे। या तो फिर ग्रुप डेटा है और क्लास लेंथ या क्लास विड्थ जो भी बोलो आर अनइक्वल, या तो फिर आपको मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मतलब पहले डिस्क्रीट देंगे दो तीन ऑब्जर्वेशन तक डिस्क्रीट और बाद में ग्रुप बन जाता है, तो वैसे ये थर्ड नंबर में फोर्थ पॉइंट तो आ ही गया है। ये चार में से कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज करोगे, और ऐसी सिचुएशन नहीं है तो डेफिनेशन का यूज करेंगे। और जब डेफिनेशन का यूज करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए तीन केसेस है। या तो मैं रॉ डेटा का मोड निकालूं, या तो फिर डिस्क्रीट डेटा, या तो फिर ग्रुप डेटा। हर एक की सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन प्रोसीजर थोड़ा चेंज होगा। और जब मैं ग्राफ की बात करूंगा तो भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहां पर भी क्लास लेंथ इक्वल हो तब ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे इक्वल क्लास लेंथ, और दूसरा आएगा अनइक्वल क्लास लेंथ।
हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना है, कैसे करना है वो अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन उसमें दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। इक्वल क्लास लेंथ पर कैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ किया जाता है और मोड निकालेंगे, और अनइक्वल क्लास लेंथ में कैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे और मोड निकालेंगे। तो पूरे मोड को निकालने के लिए ये चार्ट एक मास्टर चार्ट है जिसका आप यूज करके मोड का कैलकुलेशन करोगे। ऑब्टेनिंग वैल्यू ऑफ मोड वी हैव टू अप्रोचेस, वन इज बाय कैलकुलेशन एंड अदर इज बाय ग्राफ। ग्राफ है तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करके हम काम करेंगे, तो ग्राफ बोलो मतलब यूजिंग हिस्टोग्राम, दो एक ही चीज है। अच्छा, कैलकुलेशन से हम काम करना चाहते हैं, ये अप्रोच हम डेवलप करते हैं सपोज, तो उसमें दो हमारे पास ऑप्शन बनते हैं, एक तो बाय डेफिनेशन या तो बाय इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला कब यूज करेंगे वो सपोज पता चल गया, तो बाकी के सभी केस में हम डेफिनेशन से ही काम करते हैं। तो इंपीरिकल के लिए चार मैंने ऑप्शन बताए कि ये चार में से कोई भी एक सिचुएशन आ जाए, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी मॉडल हो या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेंटर के बजाय एक्सट्रीम पोजिशन पर हो, या क्लास लेंस अनइक्वल हो, या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मिक्स टाइप का हो, ठीक है, तो हम इंपीरिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे, नहीं तो डेफिनेशन का यूज करेंगे। और डेफिनेशन का भी यूज करेंगे तो एग्जांपल तीन टाइप के होंगे या प्रोसीजर तीन टाइप में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, रॉ डेटा का थोड़ा अलग प्रोसीजर होगा, डिस्क्रीट का और ग्रुप का, तो उसमें ये तीन पैटर्न के क्वेश्चन। सर इंपीरिकल में भी तीन हो सकते ना? हाँ, ये इसमें भी फिर तीन ऑप्शन तो बनते ही है कि रॉ हो, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन रॉ भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, वो अलग बात है। तो एक बात, लेकिन उसके लिए मीन मीडियन सब काम करना पड़ता है। तो ये जो चार्ट है इसका पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोटबुक में लिख के रखिएगा, ठीक है, और वन बाय वन हम काम शुरू करते हैं। पहले ये बाय कैलकुलेशन वाला पोर्शन साइड बाय साइड चलता रहेगा, ये पहले काम करेंगे, बाद में ग्राफ पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 जो कि सॉल्व करके ही रखा हुआ है, देख लीजिए। कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द गिवन डेटा। अच्छा, ये रॉ डेटा है, हाँ बिल्कुल, हम बाय डेफिनेशन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं वो चेक करते हैं। रॉ डेटा है तो क्या है भाई, 15, 14, 15, 13, 14, 15, 15, 16, 10, 18। आप ध्यान से देखो तो सभी ऑब्जर्वेशन में 15 ही एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, तो सीधा आंसर आप देख के ही बोल सकते हो कि यस, मोड इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन बीइंग रिपीटेड हाईएस्ट टाइम, और कितनी बार, 4 times, तो ये 15 आपका आंसर आ गया, खत्म, यहीं पर काम खत्म हो गया। सर ये तो बहुत सिंपल है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 81 भी देख लेते हैं, वही लॉजिक है। द नंबर्स ऑफ बुक परचेज बाय ईच ऑफ 15 पर्सन फ्रॉम बुक स्टोर आर एज फॉलोज। किसी एक बंदे ने, मतलब 15 लोगों ने बुक परचेस की है, एक ने एक बुक परचेस की, दूसरे ने एक भी नहीं की, 0, फिर तीसरे ने 2, चौथे ने 2, पांचवे ने 3, 4, 2, 7, 2, 2, 5, 4, 2, 1, 2। तो ये देखा जाए तो ये 2 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या होगा, मोड इक्वल्स टू 2, ऑब्जर्वेशन को देख के ही मुझे पता चल गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली आप डिटरमाइन कर सकते हो, 81, 82, 83 ऐसा ही है। 84 एक बार पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पेशेंट्स अराइविंग एट क्लिनिक ईच आवर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ अ डे आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, 3, 5, 4, 2, 7, 8। देखो यहां पर 6 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन एक भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है, सभी एक ही बार रिपीट हो रहा है, मतलब हाईएस्ट टाइम रिपीटेशन है ही नहीं, एक ही बार रिपीट हो रहा है, सभी एक बार है, मतलब वो तो टाई हो गई। इसका मतलब ये डेटा में मोड है ही नहीं, नो मोड ऐसा बोल सकते हैं, और मोड निकालना हो तो कंपल्सरली इंपीरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला का यूज करना है। तो ये रॉ डेटा है, इंपीरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला करके निकाल सकते, लेकिन वो हम निकालेंगे नहीं, एज अ नोट यहां पर सिर्फ लिख देंगे कि यस, मोड कैनॉट बी ऑब्टेन यूजिंग डेफिनेशन बट कैन बी ऑब्टेन बाय इंपीरिकल रिलेशनशिप, इतना नोट लिख देंगे, काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए 84
उसी ग्राउंड पर 85 है, तो 85 भी ऐसा ही क्वेश्चन है जिस पर आप बोल सकते हो कि डेफिनेशन से बोर्ड नहीं निकाल सकते, सिर्फ और सिर्फ इंपीरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 के बाद देखते हैं 86 पूरा ध्यान से पढ़ते हैं। कैलकुलेट मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अब पहले मैंने रॉ डेटा के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, अब ये आ रहा है डिस्क्रीट डेटा। एक्स एंड एफ दिया हुआ है, मतलब 1 इज रिपीटेड 8 टाइम्स, 2 इज रिपीटेड 5 टाइम्स, 3 इज रिपीटेड 12 टाइम्स, 4 इज रिपीटेड 20 टाइम्स, 5 इज रिपीटेड 10 टाइम्स, 6 इज रिपीटेड 9 टाइम्स एंड 7 इज रिपीटेड 3 टाइम्स। तो यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है और वो भी सेंटर में ही लोकेटेड है, एक्सट्रीम पर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है और 20 जैसी दूसरी 20 कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं, मतलब टाई भी नहीं है। तो सीधा मोड आप 20 फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट वैल्यू क्या है, वैल्यू 4 है, तो 4 इज द मोड। मोड मीन्स ऑब्जर्वेशन विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आंसर हो गया 4। 87 भी आप ध्यान से देखो, मैं ओरल डिस्कशन में इसको ले रहा हूं, क्वेश्चन देखो पता चल जाएगा। फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके क्या है भाई, तो साइज है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फ्रीक्वेंसी है 10, 5, 13, 6, 23, 35, 14, 32, 8 एंड 7। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 35, और उसके अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 8, तो मोड इक्वल्स टू 8, आंसर आ गया। सीधा आगे बढ़ते हैं, 88 भी उसी ग्राउंड पर है, तो 88 को मैं छोड़ के मैं डिस्कस कर रहा हूं 89। 89 में क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है देखते हैं। टीवी सेट्स असेंबल्ड बाय अ टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन अ मंथ आर टेस्टेड, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर टीवी सेट, फाइंड द मोड। तो जीरो डिफेक्ट वाले 45 टीवी सेट से, एक डिफेक्ट वाला 22, टू वाले 18, थ्री वाला 10, फोर डिफेक्ट ऐसे 6 एंड 5 डिफेक्ट ऐसा 4 टीवी सेट से। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 0 के अगेंस्ट है 45, तो मोड क्या हो गया 45। तो आप बोल दो कि 0, मोड क्या हुआ 0, 45 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन 0, तो मोड हो गया 0, तो आप 0 बोल सकते हो। लेकिन यहां आप एक नोट भी लिख दो जब ऐसा करना हो तो, कि वैल्यू ऑफ मोड जो है वो सेंटर में नहीं, इट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द डेटा, सो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में दूसरा क्राइटेरिया सेंटर में लोकेटेड हो, ऐसा होना चाहिए, ये तो है नहीं। तो इन सच सिचुएशन यू कैन से मोड कैनॉट बी रिगार्डेड एज द प्रॉपर चॉइस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी की ये प्रॉपर चॉइस ही नहीं है, ऐसे केस में मोड से जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मीन और मीडियन इज कंसिडर्ड एज द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बट इफ यू वॉन्ट टू फाइंड फिर भी प्रॉपर मोड कौन सा है वो निकालना है, देन यू कैन गो बाय इंपीरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला। सो हियर मोड कैन बी ऑब्टेन बाय इंपीरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला। तो एज ए नोट इतना लिख के रखो चलेगा, वैसे आंसर आपने जीरो बोल दिया है तो उससे तो हम बात आगे बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन ये सूटेबल नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी पैटर्न का है कुछ। द नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड बाय 24 टैक्सी ड्राइवर्स इन अ डे आर शोन इन द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द मॉडल नंबर ऑफ ट्रिप्स, ट्रिप 1, 2, 4, 5, 6, 7, उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ ड्राइवर मतलब फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 4, 7, 2, 1। तो यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7, 2 है, 2 के अगेंस्ट भी है, 5 के अगेंस्ट भी है। ओके तो आपका आंसर होगा 2 एंड 5। चलिए यहां पर शायद प्रिंटिंग एरर है, तो मैं 31 मतलब 90 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर आप लिखो 2 एंड 5,
क्योंकि 2 और 5 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये तो बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दो ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सिंगल वैल्यू निकलनी है, ओके बाईमोडल रखना है रखो, सिंगल वैल्यू निकलनी है तो इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो एज अ नोट हम वहां पर लिख देंगे कि यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला वी कैन ऑब्टेन मोड। चलिए तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं जो ग्रुप डेटा का है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा में मोड निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, अब हम ग्रुप डेटा वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉडल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल में एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पर्संस दिया हुआ है, तो मैं लिख दूं एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पर्संस। ये नंबर ऑफ पर्संस आपकी फ्रीक्वेंसी है और एज जो है वो क्लास में है 20 to 25, 25 to 30, 32 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, and 55 to 60। इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 2, 7, 8, 20, 40, 30, 12 and 8। चलो भाई डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ग्रुप डेटा का है, अब ग्रुप डेटा में मोड कैसे निकाला जाता है वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो ग्रुप डेटा हो तो पहले चेक कर लो कि हर एक क्लास की साइज, हर क्लास की साइज इक्वल होनी चाहिए, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, सभी क्लास लेंथ इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि एंश्योर दैट ईच क्लास लेंथ इज इक्वल, तो वो एंश्योर हो चुका है हाँ। अब पॉइंट ये है कि सर इक्वल ना हो तो क्या करना है वो बात की बात है, पहले ये चेक करते हैं कि ये हो ऐसा जरूरी क्यों है, हाँ वो भी मैं बता दूं। देखो कि क्लास की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं एक क्लास रखता हूँ 10 to 20 का और उसके बाद 20 to 60 ले लूँ, फिर 60 to 65 ले लूँ, फिर 65 to 70 ले लूँ और 70 to 90 ले लूँ, तो आपको पता है कि ये क्लास की रेंज 10 की है तो इसमें कवर होने वाले ऑब्जर्वेशन कम होंगे और 20 टू 60 इतनी बड़ी रेंज है जिसमें कवर होने वाले ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसके कंपैरिजन में कम होगी और इसके ज़्यादा होगी क्योंकि इसने रेंज बहुत बड़ा कर लिया है, तो बड़ी रेंज में ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कवर हो जाते हैं। अब मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ऑब्वियस है जिसकी रेंज ज़्यादा होगी, जिसकी क्लास लेंथ ज़्यादा होगी वहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी और मैं उसी को मॉडल क्लास बोल दूंगा कि ये मॉडल क्लास है, तो ये तो बिल्कुल बेमानी होगी क्योंकि जिसकी रेंज ज्यादा है उसमें तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो नहीं होगी, लेकिन सभी की इक्वल साइज हो और उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो कंपेरेबिलिटी होती है कि भाई साइज इक्वल है, अब देखो किसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको मॉडल क्लास डिजाइन करो और वहां पर मोड मिलेगा ऐसा समझ के चलो। तो अलग अलग क्लास लेंथ में फ्रीक्वेंसी की साइज मैच करने के लिए कंपेरेबिलिटी ही नहीं बनती है, तो उसको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से ये कंडीशन रखी हुई है कि सबसे पहले ग्रुप डेटा हो तो सभी क्लास की साइज सेम होनी चाहिए। तो क्लास की साइज सेम है वो देख लो, हाँ यहाँ पर तो है, क्यों होनी चाहिए इसका ये लॉजिक भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ना हो तो क्या वो जब नहीं होगा तब वहां पर डिस्कस करेंगे, अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। तो आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आ गए,
एक क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में देने वाला हूं कि सपोज ये सब इक्वल ना हो तो क्या करेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा उस वक्त मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो ये सभी इक्वल साइज के हैं, और जब इक्वल साइज के हैं तो वो खत्म हो गया, वो एंश्योर हो गया। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 40। तो ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके अगेंस्ट जो क्लास है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास, और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे FM। M means maximum frequency। उसके प्रीवियस क्लास वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे F1, और उसके बाद वाले नेक्स्ट क्लास सक्सीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे F2। ये F1, ये FM, ये F1 और ये F2। चलिए अभी लिखेंगे कि मॉडल क्लास कौन सा है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो क्लास है वो है 40 to 45। पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो वैल्यू होती थी उसी को हम मोड बोल देते थे, लेकिन यहाँ एक वैल्यू नहीं है, पूरी वैल्यू का ग्रुप है, तो मोड नहीं बोलेंगे उसको, मॉडल क्लास बोलेंगे। और इसके बाद मोड का फॉर्मूला जो है वो इस तरीके का, ये भी इंटरपोलेशन टेक्निक से डिजाइन किया हुआ फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ऐसा है कि L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय C। ओके सर, इसमें ये L का मतलब क्या है? पहले मैं सभी का मतलब बोल दूं। L का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री पॉइंट। ओके, तो लोअर क्लास बाउंड्री पॉइंट किसका? क्लास बाउंड्री पॉइंट या लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास 40 टू 45 है, तो L हो जाएगा 40। FM क्या है? FM है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। और F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इमीडिएटली सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। चलिए, तो FM है 40, F1 20, 2 टाइम्स FM, तो 40 इंटू 2 में डायरेक्टली 80 लिख रहा हूँ, फिर ये 20 और F2 है 30। और C का मतलब हर क्लास की तो कॉमन लेंथ है, तो कॉमन क्लास लेंथ जो है वो C, मतलब वो 5 है। मॉडल क्लास की क्लास लेंथ ऐसा नहीं, वो बोलो तो भी चलेगा, क्योंकि हर एक की क्लास लेंथ तो सेम ही है। तो हम यहां बोलेंगे क्लास लेंथ ऑफ ईच क्लास, वो 5 की है। करना क्या है भाई? पहले ये पूरा पोर्शन, ये 40 को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये पोर्शन का कैलकुलेशन करेंगे और वो 40 में ऐड कर देंगे। क्या कैलकुलेशन हो रहा है मैं देख लेता हूं। ये है 40 माइनस 20 इंटू 5, मतलब ये न्यूमरेटर हो जाएगा 100, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 20, 30 माइनस करेंगे तो 80 माइनस 50, मतलब ये हो जाएगा 30। तो 100 डिवाइड बाय 30 और इसमें 40 ऐड कर दो तो 3.33 आ रहा है, 40 प्लस 3.33, तो हम इसको लिखेंगे 43.33। लेकिन ये किसकी बात है? मोड किसका निकलना है? एज का। तो एज ईयर्स में है, तो 43.33 ईयर्स आपका मोड हो जाएगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि पूरा समझ में आ गया है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास मॉडल क्लास, और उसके बाद ये फॉर्मूला के हिसाब से काम करना है। याद रखिए एल का मतलब क्या है, वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल साइज ऑफ आइटम, जिसको हम क्लास बोल सकते हैं, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30 एंड 31 to 35, और उसका अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 8, 15, 7, 4, 3।
चलिए पहले तो चेक करेंगे कि क्या क्लास लेंथ इक्वल है सभी क्लास की। हाँ, सभी क्लास की क्लास लेंथ इक्वल है। 6 - 1 = 5, 11 - 6 = 5, मतलब लोअर लोअर बाउंड्री या अपर अपर बाउंड्री का गैप देखा जाए तो 5-5 का ही है, तो क्लास लेंथ 5 है, समझ में आ गया। और इक्वल है, इक्वल है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 15। तो ये आपका मॉडल क्लास 15 के अगेंस्ट जो क्लास है वो मॉडल क्लास, और 15 हो गया FM, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। तो मॉडल क्लास किसको बनाएंगे भाई? मॉडल क्लास है 16 to 20, और मोड का मतलब है L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। L कितना है? तो ज्यादातर स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक करते हैं, 16 टू 20 मॉडल क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट 16 नहीं, ये गैप वाला है भाई। देखो इंक्लूसिव क्लासेस है, और जब इंक्लूसिव क्लासेस होता है तो एडजस्ट करो, लोअर बाउंड्री पॉइंट लेना है, लोअर लिमिट नहीं लेना है। तो बाउंड्री पॉइंट होता है 15.5, क्योंकि ये 15 और ये 16 है, तो गैप जो है उसको रिमूव करें तो L जो होगा वो 15.5 होगा, ये याद रखना है। दूसरा तो बाकी का काम सिंपल है, FM माइनस F1 मतलब 15 - 8, 2FM मतलब 30 - 8 - 7 इंटू सी। सी भी 16 - 24 गैप 4 नहीं है, दो लोअर लोअर का गैप देखो 21, 16, 16, 11, तो गैप एक्चुअली 5 का है, ठीक है। तो यहां पर भी मिस्टेक हो सकता है और यहां पर हो सकता है, बस ये दो चीज ध्यान में रखो। क्वेश्चन काफी सिंपल है, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, 15 - 8 मतलब 7 × 5 = 35, और ये 30 में से 15 माइनस करे तो 35 डिवाइड बाय 30, ये सॉल्व पहले करेंगे। तो 35 डिवाइड बाय 30 करते हैं तो पॉइंट आता है, आंसर आता है 1.1666 मतलब 17। तो 15.5 प्लस 1.17, अब मैं ऐड करूं 15.5 और 1.17, तो आपको आंसर मिलेगा 16.67। यूनिट मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन ने, तो हम नहीं करेंगे, होता तो यूनिट में लिख लेता। तो चलिए मुझे लगता है कि अब ये भी आपकी समझ में आ गया, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन आई कैन से यू कैन कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 95। तो आपको 95 तक काम करना है, 95 तक होमवर्क रहेगा। हमारा ये सेशन आज यहीं पर इसमें ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।